एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जहां सिल्वी ने रगोना को समय के अंत में हु ही रिमेन्स के कैसल में छोड़ दिया था। इसके बाद मिस मिनट रगोना के बारे में जो भी सच्चाई जानती थी वह उसे बताना शुरू करती है। वह अपनी पावर से वहां पर एक वीडियो को प्ले करती है जहां पर कैंग और रगोना साथ में थे। कैंग रगोना को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी मदद से कैंग ने पूरे मल्टीवर्स को जीत लिया था। रगोना कैंग को अपने साथ टीवी आने को कहती है, तब कैंग उसे थोड़ी देर बाद आने को कहता है। कैंग मिस मिनट को बुलाता है और प्रोटोकॉल 42 शुरू करने को कहता है। प्रोटोकॉल 42 का मतलब यही है कि अब कैंग रगोना सहित पूरे टीवी के सभी लोगों की यादों को मिटा देगा। रगोना को अपनी सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो कैंग पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सारी मेहनत रगोना ने करी थी और उसके अंत में उसकी यादों को मिटा दिया गया। रगोना और मिस मिनट आपस में एक टीम बनाते हैं और इधर विक्टर टीवी में पहुंच गया था। वो अपनी की गई सारी चीजों को देखकर बहुत ही घबरा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भविष्य में वो पूरी दुनिया को अंत के गगार पर ले आएगा। इधर मॉर्बियस लोकी और V15 विक्टर को समझाते हैं कि पहले उसे टेम्परल लूम को सही करना होगा, उसके बाद वो उसे सारी बात समझा देंगे। इधर जज और हंटर V15 आपस में बात करते हैं कि उन्हें TBA को फिर से बचाना होगा। वो रगोना को एक और चांस देने को कहते हैं। इधर मॉर्बियस, सिल्वी और विक्टर ओबी के पास आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ओबी ने TBA की मैनुअल को बनाया था जिसे पढ़कर विक्टर इतना इंटेलिजेंट बन सका, और TBA को विक्टर ने ही बनाया था जहां पर ओबी काम करता था। वो उन्हें अपनी इन्वेंशंस को दिखाता है कि उन्हें किसी भी तरह उस टेम्परल लूम को फटने से बचाना होगा। वो उन्हें एक डिवाइस को टेम्परल लूम में लगाने को बोलता है जिससे टेम्परल लूम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इधर मॉर्बियस और लोकी में बहस हो जाती है कि कोई भी उस टेम्परल लूम में नहीं जाना चाहता था। तब सिल्वी उन्हें जो भी करना है जल्दी करने को कहती है। तब विक्टर अपने सबसे खास इन्वेंशन को दिखाता है और ओबी को बताता है कि इसकी मदद से वो लोग टेम्परल लूम की रेडिएशन को कम कर सकते हैं। ओबी और विक्टर उस डिवाइस को बनाने में लग जाते हैं। इधर लोकी सिल्वी और मॉर्बियस को केक खाने चलने को कहता है, लेकिन सिल्वी उस पर भड़क जाती है कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है और तुम्हें खाने की पड़ी है। इधर हमें टीवी के सारे कैदियों को दिखाया जाता है जिनके पास हंटर V15 आती है और उन्हें टीवी का साथ देने को कहती है क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी अपनी तरह से टीवी को बचाने की कोशिश ही करी थी। इधर लोकी और सिल्वी आपस में बात करते हैं। सिल्वी लोकी से कहती है, अगर विक्टर ने सब कुछ ठीक भी कर दिया तो क्या गारंटी है कि आगे चल के वो अपनी पावर्स का गलत यूज ना करे। तब लोकी उसे बताता है कि जैसे TBA में बुरे लोग हैं, वैसे ही TBA में कुछ अच्छे भी लोग हैं। इधर रगोना TBA की सेल में आ जाती है और सबको अपने साथ मिला लेती है और जो उसकी बात नहीं मानते वो उन्हें मार देती है। इधर विक्टर ने उस डिवाइस को बना लिया था। मॉर्बियस विक्टर के पास चॉकलेट लेकर आता है। इधर हंटर V15 सेल में पहुंचती है तो उसे सारे कैदी मरे मिलते हैं। और तो और TBA में किसी का टेम्पैड भी काम नहीं कर रहा था। इधर हंटर X5 एक गार्ड को मार देता है और विक्टर को किडनैप कर लेता है। पूरी TBA में यह बात पता चल गई थी कि विक्टर किडनैप हो गया है। इधर लोकी सबको बताता है कि रगोना TBA पर राज करना चाहती है तो वो यहीं पर होगी। इधर रगोना और मिस मिनट विक्टर के ऊपर बहुत ही गुस्सा थे। वो उसे उसके डिवाइस के बारे में पूछते हैं कि उसे बता दे वरना वो उसे मार देंगे। विक्टर उन्हें सब कुछ बताने को बोलता है। लोकी और सिल्वी जा रहे होते हैं तभी लोकी एक कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि ये तो वही टाइम है जब लोकी टाइम स्लिप करके TBA के फ्यूचर में आ गया था। और तब हमें ये बात पता चलती है कि लोकी को इरेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद पास्ट का लोकी ही था। इधर लोकी के पास एक कॉल आता है। लोकी उस कॉल को उठाता है और एपिसोड 1 का जो भी फ्यूचर था अब वो प्रेजेंट में बन गया है। लोकी उस फोन को उठाता है और इधर से ओबी बात करता है और वो लोकी को बताता है कि वो मिस मिनट को सिस्टम से निकालने के लिए पूरे सिस्टम को रिबूट कर रहा है जिससे TBA की सारी सेफ्टी हट जाएगी और सारे लोग अपने पावर्स का यूज कर पाएंगे। कैसे इस डिवाइस को लेकर आगे बढ़ता है ताकि वो टेम्परल लूम को सही कर सके। इधर विक्टर मिस मिनट और रगोना को सारी बात बता देता है तभी मिस मिनट ऑफलाइन हो जाती है और इधर लोकी अपने पावर से X5 को कंट्रोल कर लेता है और X5 रगोना को इरेज कर देता है। विक्टर अपने सिर को डिवाइस में डालता है जिससे वो डिवाइस उसे डिटेक्ट कर लेता है कि विक्टर ही यू रिमेन्स है और लूम अनलॉक हो जाता है।
लोकी उस डिवाइस को लूम में ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन विक्टर खुद ही उस डिवाइस को टेम्परल लूम में लगाना चाहता था, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो विक्टर उसे ठीक कर पाए। विक्टर जैसे ही टेम्परल लूम में जाता है वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि रूम का रेडिएशन बहुत ही हाई हो गया था और सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और इसी पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।